फर्जी एससी एसटी पीड़ित ग्रामीणों के साथ पहुंचकर पुलिस अधीक्षक की चौखट पर बयां किया दुख दर्द। नमस्कार, रवि साहू के साथ संवाददाता इंद्रजीत मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RBA7 लाइव न्यूज। हर खबर सच्चाई के साथ, सच्चाई का प्रतीक, सच्चाई का आईना। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है फतेहपुर से। हमारे संवाददाता ने बताया, आज दिनांक 10/2/2024 को एससी एसटी मुकदमा से पीड़ित ग्राम प्रधान व ग्राम वासियों के साथ पुलिस अधीक्षक फतेहपुर कार्यालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से पूर्व में लगे फर्जी तरीके से एससी एसटी एक्ट की धारा कौन इस दोष बताते हुए अपने समस्या को लगभग 200 लोगों को माताएं बहनें एवं ग्रामवासी की अध्यक्षता में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस अधीक्षक सिंह की गुहार लगाई, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय जी से मुलाकात न होने के कारण उनको निराशपूर्ण खागा कोतवाली अपने निवास उमर बोगलापुर वापस आना पड़ा। कौन है? वो रामा देवी हैं। अच्छा, हाँ। और चेतराम और जगतपाल, ये चाचा दादा में आपस में विवाद किए पासवान बिरादरी के, लेकिन FIR हम लोगों के ऊपर फर्जी तरीके से हुई, जो कि हमारा पूरा परिवार खागा में रहता है। ये कब की घटना? इस संबंध में हमने अपना पुलिस अधीक्षक महोदय जी को एप्लीकेशन देने आए थे, तमाम लोग थे, लेकिन फिलहाल मुलाकात नहीं हो पाई। ये घटना कब की है? लेकिन FIR हमारे ऊपर 2 तारीख की है। किस तारीख को? 30/1/2024 जनवरी। FIR कब हुआ? 2 तारीख 2/2/2024। तो कितने लोगों का नाम है उसमें? हमारी माता जी हैं, हमारे फादर जी हैं, हमारी चाची हैं, हमारे बड़े भाई हैं, प्लस हम 5 लोगों का नाम है। 5 लोगों के खिलाफ FIR हुई है। तो आज अब SP साहब से मुलाकात नहीं हुई आपकी? SP साहब से हमारी मुलाकात नहीं। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो, जो इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई। जैसे यहाँ से न्याय नहीं मिल रहा तो आप कहाँ तक जा सकते हैं? न्याय नहीं मिल रहा, मेरा पूरा परिवार जो है गंभीर बीमारियों से लड़ रहा है। मेरा परिवार आज 10 दिनों से काफ़ी जो है परेशान है, मानसिक तनाव में है। कहीं मैं इस वजह से प्रशासन से यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इसको न्याय दिला दे, नहीं मेरे परिवार के ऊपर कहीं कोई घटित घटना न घट जाए, कोई अप्रिय घटना न घट ले। अप्रिय घटना न घट।